नमस्कार, जसपटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने एक ऐसी डिश बनाई है जिसके लिए हमें गैस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने इसे 5 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। इसे आप नारियल रोल भी बोल सकते हो या फिर इसे मावा रोल भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही मॉइस्ट है। ये देखिए आप कितनी अच्छी ये बन के तैयार हुई है। आप इसे जब भी आपका मन करे कुछ मीठा खाने का, अच्छा खाने का, तो आप इसे घर में हाइजीनिक वे से बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। इसके लिए सबसे पहले हमने 3/4 कप मिश्री ली है, तो इसे हम पीसेंगे। हम 4 छोटी इलायची भी इसमें डाल के ग्राइंड कर रहे हैं। ये मिश्री और छोटी इलायची को ग्राइंड कर लिए। आप चाहो तो आप इसमें देसी खांड भी डाल सकते हो या फिर शुगर को भी आप ग्राइंड करके डाल सकते हो। अब मैंने एक लिया है बाउल, इसमें हम डाल रहे हैं मिश्री और छोटी इलायची का पाउडर। अब इसमें डाल रहे हैं 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट का। अब डाल रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर का। अब हम इन तीनों चीज़ों का कर लेंगे मिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनने वाली है हमारी। हमने इसे बनाने के लिए गैस का भी यूज़ नहीं करा, हम इसी प्रकार इसे बनाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से नट्स, ये बादाम और पिस्ताशियो हैं। इन्हें भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं केवड़ा जल के। और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमने एकदम से दूध नहीं डालना, इसमें बहुत कम दूध का इस्तेमाल। अब हम इसे हाथ से ही मिलाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इसके आप लड्डू भी बांध सकते हो या पेड़े की शक्ल दे सकते हो। हम इसे बर्फी स्टाइल इसकी शेप बनाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये इंस्टेंट मिठाई बनती है। आप इसे किसी भी ओकेजन पर इसे पहले बना के रख सकते हो। ये देखिए हमने 1/2 कप से भी कम दूध लिया था, उसमें से 3 चम्मच ही हमारे दूध के यूज़ हुए हैं और ये डो बन के तैयार है। इतना हमारा दूध पड़ा है और डो बन के तैयार हो गया। इसे अच्छी तरह से हम मस लेंगे। अब हम डो को इस बोर्ड के ऊपर रख लेते हैं, तो इसे अच्छी तरह से मसल के हम तैयार करेंगे। ये देखिए हमने एक लॉग सा बना लिए। अब हमने एक फॉइल पेपर लिए, इसके ऊपर थोड़े से नट्स हम इस प्रकार से स्प्रिंकल कर देंगे और इस लॉग को इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस मिठाई को बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से और जल्दी बना के इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हमने इसे इस प्रकार से रोल कर देना है। अब हम इसे रखते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में, फिर इसके बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। थोड़े से नट्स हम इधर लगाएंगे और थोड़े से दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये हमारी स्वीट बनके तैयार है। ये देखिए घर में रखे हुए कुछ सामान से बहुत ही अच्छी मिठाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है पर बहुत ही टेस्टी बनी है ये। हम इसे इस प्रकार से पीसेस में काट रहे हैं। आपका जब भी मन करे कुछ मीठा खाने का आप इसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो। लीजिए ये हमारी बहुत ही टेस्टी मिनटों में बनके तैयार होने वाली मिठाई बनके तैयार है।
आप इसे जब भी मन करे कुछ अच्छा मीठा खाने का आप इसे बना के खा सकते हो। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो आप इस मिठाई को बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।